मैं इस वक्त रजौरी गार्डन विधानसभा में खड़ा हुआ हूं और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं अमनदीप सिंह सूदन जी। आइए पूछते हैं यहां रजौरी गार्डन विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है। अमनदीप जी, क्या माहौल चल रहा है यहां रजौरी गार्डन विधानसभा में? रजौरी गार्डन विधानसभा में प्यार की लहर चल रही है, प्यार की लहर, जो प्यार जनता परिवार के अपने एक बच्चे को कांग्रेस पार्टी को दे रही है वो अब की बार ऐतिहासिक जीत में बदलने जा रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो अब की बार कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस? नहीं, आप रजौरी गार्डन विधानसभा की बात करें तो 100% जीत रहे हैं और कांग्रेस दिल्ली के अंदर आप कोई भी जो पहले आंकड़े आप लोग दिखा रहे थे कि इतनी सीट ऊपर हो गई, इतनी नीचे हो गई, वो सब बदलता नज़र आ रहा है। आपके खुद के जो एग्जिट पोल शुरू में उनको मेजोरिटी दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं बदलाव दिखा रहे हैं। वो जो बदलाव है ये अब की बार हरियाणा की तरह का बदलाव दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र की तरह का बदलाव देखने को दिल्ली में मिलेगा। कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और अच्छी सीटें लेकर जाएगी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अमनदीप सिंह सूदन जी अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम क्या कराएंगे रजौरी गार्डन में? देखिए, सबसे पहला काम तो है जो मेन एंट्रेंसेज हमारे यहाँ की हैं। रजौरी गार्डन एक बहुत रिस्पेक्टेबल जगह दिल्ली के अंदर, बहुत प्रसिद्ध जगह में से गिना जाता है और मौजूदा जो यहाँ विधायक पहले रहे जितने भी, उन्होंने यहाँ काम नहीं करवाया। तो एक तो यहाँ की ब्यूटिफिकेशन एंट्री पॉइंट्स की, उसके अलावा यहाँ पर आज भी लोगों को सीवर की ओवरफ्लो से परेशान होना पड़ता है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ झूठे खोखले वायदे किए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो मैं यहीं इनके बीच में रहने वाला, कहीं मैं पंजाबी भाग से नहीं आया, मैं कहीं बाहर से नहीं आया, तो मैं उस तरह से मेरे को ये काम सब कराने में मैं कराऊंगा। तो सर, आपके पास सीवरेज का या पानी की जो पाइपलाइंस पड़ेंगी उसका कोई प्लान है आपके पास? कैसे आप उसको जिस तरह से जब जैसे ही ये जनता अपना आशीर्वाद देके जितवाएगी, मैं जल्द से जल्द बैठ के जल बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं उनके साथ इसको चॉकआउट किया जाएगा प्लान और उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कई ऐसी लाइन्स हैं जो कांग्रेस के समय में डली हैं, टैगोर गार्डन के जो मेन लाइंस हैं जहां परेशानी नहीं आती, वो कांग्रेस के पूर्व विधायक जसपाल जी के समय में डली थी, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, तो वैसा ही काम करने की ज़रूरत है, यहां भी किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, जैसे शीला दीक्षित की सरकार आई थी, उन्होंने काफ़ी समय राज किया और बहुत सा विकास भी हुआ, तो आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे या कुछ और भी आपका, मतलब जब नई जनरेशन आती है तो उनका भी कोई विज़न होता है? देखिए, शीला जी ने राज नहीं, सेवा की, उन्होंने दिल्ली को अपने बच्चे की तरह पाला भी, संवारा भी। दिल्ली प्रदूषित शहरों में तब भी गिनी जाती थी मगर उन्होंने दिल्ली का ग्रीन कवर 300% तक बढ़ा दिया था। तो अगर कुछ भी अच्छा काम होता है उसको दोहराने में, मुझे लगता है ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है। उनसे सीखकर, उनके आशीर्वाद से, वो मेरे जब उनके अंतिम दिनों में बहुत उनके करीब रहा, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं और उनसे सीख लेकर मैं जिस तरह से जनता के बीच में एक बच्चे की तरह जाऊंगा, नेता बन के नहीं, क्योंकि नेता बन के आप काम नहीं कर पाते हैं, बच्चा बन के आप लोग आपसे खुलते हैं, परेशानियां बताते भी हैं और आप उनका समाधान भी करते हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ जो है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को रोज़गार नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूँ, ये पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये विचार करता हूँ कि अपने दोस्तों से जिनकी कंपनीज़ हैं उनसे बात करके यहाँ के युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम मैं करना चाहता हूँ ताकि उनका घर जो है अच्छे से चल सके। और ऐसा मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बात चल भी रही है, अब देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है, क्योंकि चुनाव के बीच में कुछ भी ऐसा ऐलान करना भी ठीक नहीं है, मगर ये ऑल मेरे दिस इज़ ऑन माई माइंड, ये ऑलरेडी मैं इस पर काम कर रहा हूँ और अगर सब सही रहा तो जनता के आशीर्वाद से जीतने के बाद मैं 4-5 हज़ार लोगों को रोज़गार दिलवाने का काम भी पूरी कोशिश में दिलो जान से करूँगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो आपका बहुत बढ़िया प्लान है। अच्छा, यहाँ पे केजरीवाल जी शिक्षा और हॉस्पिटल में काफ़ी दावा करते हैं कि काफ़ी बहुत अच्छा मैंने करवा दिया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो उन्होंने करवा दिया वो कहते हैं, वो बनाया किसने? उनके वायदे जो थे वो थे नए हॉस्पिटल बनाने के, नए स्कूल बनाने के, नए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोलने के, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित जी ने छोड़ के गई वो दिल्ली, उस समय डेवलपमेंट का काम लगभग सब हो चुके थे, उनके जाने से लेकर आज तक कोई भी एक नया फ्लाईओवर उन्होंने बनाया नहीं है, उद्घाटन जरूर किए हैं जो उनके चल रहे थे, उसी के फीते काटे हैं। तो वो जो बजट इन्होंने डेवलपमेंट का काटा उसको डी एलोकेट करके इन लोगों ने जो फ्रीबीज बांटने का काम किया है वो इन्होंने किया, उसके अलावा कुछ इन्होंने नया नहीं किया। जो नवीनीकरण, ये जो आप कहते हैं एक बिल्डिंग को नवीनीकरण कर देना और नई बिल्डिंग बनाने में बहुत फ़र्क है। जो स्कूल की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में जितने बच्चे पढ़ते थे उससे कम बच्चे आज एनरोल्ड हैं स्कूल्स में। तो अगर इन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है, इन्होंने ये कहते हैं कि नहीं जी हमने नए स्कूल नहीं बनाए, बिल्डिंग में फ्लोर ऐड किए हैं, अगर फ्लोर ऐड किए हैं तो बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, वो संख्या घटी है, इसका मतलब है कि इनके जो दावा है वो खोखला है। केजरीवाल जी को झूठ बोलने के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, मैं ये कहना चाहता हूँ।
अच्छा सर, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, लास्ट सवाल है मेरा ये। देखिए, जब सरकार बनेगी, कांग्रेस हमेशा इसमें विश्वास रखती है कि जब भी जो सर्वदल विधायक दल जो है वो जिसको चुनेगा नेता, उसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे अनाउंस कर दिया जाएगा। वो कोई युवा भी हो सकता है, वो सीनियर लीडर भी हो सकते हैं, कोई महिला भी हो सकती है। कांग्रेस इस समय रणनीति जो लेकर चल रही है वो युवाओं, महिलाओं और सीनियर लीडर्स के मिश्रण को लेकर चल रही है। तो आप देखेंगे कि नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस वापसी करेगी, और जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी, जनता उसको आशीर्वाद और प्यार भी देगी। रजौरी गार्डन जनता के लिए आपका कोई मैसेज, कोई संदेश? देखिए, रजौरी गार्डन जनता के लिए मेरा मैसेज यही है कि यहाँ पर तीन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तीन पार्टियों के, उनमें से आप ये देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा पड़ा है और किसके ऊपर जो है क्रिमिनल केसेस है। और जब इन चीज़ों की परख करेगी जनता, और जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, मेरा पहला चुनाव है तो मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है और मैं करना चाहता हूँ। उन लोगों के ऑलरेडी चुनाव वो कई बार लड़के हार भी चुके हैं, इसका यही मतलब है कि जनता उनको नकार चुकी है टोटल। इस तरह वो ग्राउंड पे कहीं स्टैंड नहीं करते, पार्टियाँ बदल बदल के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो नया एक चेहरा है, उसको आप वोट दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो मैं अगले 20 साल के लिए, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी राजनीति की सोच जो है वो 5 साल चुनाव के बाद की नहीं है, मेरी राजनीति की सोच है 20 साल की। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करी जनता जो 20 साल तक टिके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे धन्यवाद। अमन सिंह सूदन जिंदाबाद, अमन सिंह सूदन जिंदाबाद। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अमन सिंह सूदन जी, इन्होंने काफी कुछ बताया, युवा चेहरे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, तो काफी कुछ बोला। और अरविंद केजरीवाल जी को जो उन्होंने वायदे किए हैं, वो उन्होंने कहा कि खोखले वायदे हैं, तो उस पर भी उनको माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, मीडिया दरबार दिल्ली।